हिमाचल में ये चुनाव मुद्दों के ऊपर लड़े जाएंगे, ग्लैमराइज तरीके से चुनाव नहीं लड़े जाते हैं। बड़ी बड़ी बातें करने से लोगों के दिल नहीं जीते जाते, उसके लिए काम करना पड़ता है। उन्होंने पिछले कल जो है वो हमारे पूर्वजों की बात करी है, हमें उनसे कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। वीरभद्र सिंह जी हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे। अगर उन्हें राजा कहा जाता है तो इसलिए नहीं कि वो किसी रियासत के राजा थे, इसलिए कहा जाता है कि 6 बार वो हिमाचल प्रदेश के इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर बने हैं। और आज तक इतना बड़ा, इतने लंबे समय तक प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा, केंद्रीय मंत्री रहे, 3 बार मंडी के सांसद रहे। इसलिए इस तरीके की बेतुकी बातें करना, मैं समझता हूं कि उससे लोगों का दिल नहीं जीता जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मंडी और मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत को उनके निर्वाचन क्षेत्र के लिए विजन पर खुली बहस के लिए चुनौती दी है। लेकिन क्या कंगना रनौत मंडी लोकसभा सीट के लिए अपने विजन पर खुली बहस के लिए सहमत होगी? क्या ये बहस चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करेगी और क्या इस बहस से दोनों उम्मीदवारों के अभियानों को गति मिलेगी? इस मुद्दे पर आइए विस्तार से नजर डालते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। हिमाचल प्रदेश के मंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह द्वारा बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत को खुली बहस की चुनौती एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसका हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट के चुनाव परिणाम पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है। ये चुनौती मंडी लोकसभा सीट पर एक गंभीर चुनावी मुद्दे के रूप में विकास और विजन के मुद्दे को उभारती है। इससे कंगना रनौत पर मतदाताओं के सामने अपने विजन को स्पष्ट करने का दबाव बढ़ेगा। साथ ही ये बहस दोनों उम्मीदवारों को अपने अभियानों को तेज करने और मतदाताओं से जुड़ने का एक अवसर प्रदान करेगी। वैसे इस बहस से मतदाताओं को दोनों उम्मीदवारों के विचार और नीतियों को समझने में मदद मिलेगी तथा ये मंडी लोकसभा सीट के लिए मतदाता प्राथमिकताओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, जिससे दोनों उम्मीदवारों की छवि को आकार मिलेगा और ये पता चलेगा कि वो मतदाताओं के लिए कितने भरोसेमंद और सक्षम हैं, जिसके बाद चुनाव परिणामों पर प्रभाव पड़ना मुमकिन है। आपको बता दें कि कंगना रनौत को विक्रमादित्य सिंह की चुनौती का सावधानी पूर्वक जवाब देना होगा। वो इस बहस में भाग ले सकती है और मंडी के लिए अपने विजन को रेखांकित कर सकती है, या वो चुनौती को अस्वीकार करने का विकल्प चुन सकती है। यदि वो चुनौती को स्वीकार करती है तो उन्हें इस बात पर ध्यान रखना होगा कि वो अच्छी तरह से तैयारी करे और मतदाताओं के प्रश्नों का प्रभावी ढंग से जवाब दे। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या होगा। तब तक के लिए बने रहिए एयर न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।